मेरा नाम ललित बैद है। हम चार लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरुआत किया है। हम लोग जो है ऑटोमोटिव बैकग्राउंड से आते हैं। मैं इंजीनियर हूँ और MBA किया हुआ है, और टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी और TCS जैसी कंपनी से हमारे सारे जो है डायरेक्टर शेयर होल्डर हैं। और जब हम लोगों ने अपना बिजनेस करने का स्टार्ट करने का शुरुआत किया, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिज़नेस में जाएं। और क्योंकि हम ऑटोमोटिव फील्ड से थे, तो हम ऑटोमोटिव बिज़नेस के साथ जुड़ना चाहते थे, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो है उसको अपना सब्जेक्ट यूज़ किया और हमने वहाँ से अपनी शुरुआत की। देश में आए दिन पेट्रोल और डीजल की घटती और बढ़ती कीमतों से जहां हम सभी परेशान हैं, तो वहीं इससे निकलने वाला धुआं हर दिन हमारी जिंदगी को कम करता जा रहा है। हवा में सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में हम सबका जीवन काफी मुश्किलों भरा रहेगा। अगर एक चिंताजनक फैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज में 9 भारत में स्थित हैं, और ये पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस प्रदूषण में कई कारकों का योगदान है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण इसमें एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। अगर डेटा फैक्ट की बात करें तो साल 2021-22 में भारत ने $62 बिलियन क्रूड ऑयल के आयात पर खर्च किए थे, और इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी के 3 मुख्य अंग होते हैं, बैटरी, मोटर कंट्रोलर। और आज के इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ई रिक्शा, ई ऑटो में यूज होने वाली मोटर्स को बनाया जाता है और किस प्रकार से मटेरियल यूज किए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका IIT यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज IIT के माध्यम से जानेंगे कि कैसे ईवी मोटर्स को बनाया जाता है। अभी हम अपनी प्रोसेस के स्टेप 1 में आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो मोटर बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे पैरामीटर सेट कर देते हैं। टोटल वायर कितने लेंथ की करनी है वो सेट कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ टर्न्स डिसाइड हो जाते हैं, और नंबर ऑफ़ टर्न्स जब पूरे हो जाते हैं तब ये वायर को कट कर देता है। स्टेप 2 में हमारा जो स्टेटर है, स्टेटर की लेमिनेशन होती है, सिलिकॉन स्टील से बनती है ये। तो स्टेटर लेमिनेशन के अंदर में पहले हम इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं। इंसुलेटर इंसर्ट करने के बाद जो वायर हम वहाँ से लाए थे, जो कॉइल लेकर आए थे यहाँ पे, उस कॉइल को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर अपने वाइंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग वाइंडिंग करते हैं। स्टेप 3 के अंदर जो वाइंड की हुई वायर है उसके साथ हम एक पावर केबल को जो है सोल्डर करते हैं, और ताकि ये जो है आपका, और ये सोल्डर जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ध्यान से करना होता है, ताकि आपका फील्ड के अंदर में, आपको पता है कि मोटर जो है बहुत ही रफ हैंडल होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है और इसको बहुत ध्यान से किया जाता है। ये सोल्डरिंग के बाद में जो हमारे जो स्टेटर वाइंडिंग है वो चली जाती है वार्निशिंग होने के लिए। तो वो वार्निशिंग टैंक में उसको हम आधा घंटा से रखते हैं, और फिर उसके बाद हीटर के अंदर में 2 घंटा सोक करने के बाद में फिर वो जो है हमारे स्टेप 4 में चले जाते हैं। स्टेप 4 के अंदर में हम लोग जो ये थ्रेडिंग है ये थ्रेडिंग कर देते हैं, और फिर ये स्टेटर वाइंडिंग जो है फिनिश हो जाती है। ये है हमारी सब असेंबली नंबर 1। रोटर की सब असेंबली में आपका लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन में मैग्नेट इंसर्शन या मैग्नेट पेस्टिंग होती है, और आपका शाफ्ट इंसर्शन और आपके बेयरिंग इंसर्शन होता है। जो ये सारा का सारा काम जो है हमारा इस मशीन पे होता है, और फाइनली ये आपका रोटर जो है सब असेंबली बन जाता है। अब आप देख सकते हैं इस रोटर सब असेंबली में शाफ्ट है, बेयरिंग है, कवर है, मैग्नेट्स है, रोटर है और शाफ्ट है। तो ये हमारा हो गया सब असेंबली नंबर 2।
इसके बाद में आपका स्टेप नंबर 5 होगा। स्टेप नंबर 5 में हम लोग जो है हाउसिंग, जो कि आपकी कवर होता है एल्युमिनियम का, और ये हमने स्पेशली डिज़ाइन कराई है कि कितना आपका हीट डिसिपेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ फैंस और लेंथ ऑफ हाउसिंग डिसाइड होती है, क्योंकि आपकी मोटर हीट होती है, तो उसके लिए आपको हीट को ठंडा करने के लिए, आपको मोटर को ठंडा रखने के लिए आपको वो करना पड़ता है। फाइनली ये हाउसिंग जो है हम लोग प्रेस फिट करते हैं। प्रेस फिट के लिए हमारे पास स्पेशल इंडक्शन हीटर है। इस इंडक्शन हीटर जो है पूरी इसको 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है, और उसके बाद हम इसको प्रॉपरली इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास जिक्स एंड फिक्सचर है, ताकि हम हर बार सेम कंसिस्टेंसी से हाउसिंग और स्टेटर की असेंबली को प्रॉपर कर सकें। जब ये ठंडा हो जाता है, तब ये जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है इसके अंदर में सेंसर लगते हैं, जो कि आपके बहुत ही पोजीशन जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो सेंसर का हम यहाँ पे सोल्डरिंग होता है, सोल्डरिंग होने के बाद सेंसर का इंसर्शन होता है, इंसर्शन होने के बाद उसका बाइंडिंग होता है, ताकि ये आपका किसी भी तरह का डैमेज ना हो फील्ड के अंदर में, बिकॉज आपकी मोटर हमेशा हिलती रहती है और सेंसर इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ पर आपका स्टेटर रोटर, जो कि सब असेंबली 1 और सब असेंबली 2 था, उसका असेंबली हो रहा है। उस असेंबली में हम लोग स्टेटर रोटर को इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फास्टनर्स की हेल्प से इसको जो है हम लोग टाइट कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल सीलिंग भी लगाते हैं, ताकि हमारी मोटर का जो है वाटर रेटिंग, वाटर प्रूफ रेटिंग बेटर हो। नॉर्मली हम लोग इसके बाद में हम लोग अपनी मोटर को 1 घंटे तक का पानी में रख के चला सकते हैं, जिससे कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बार जब कवर लग जाता है, तो उसके बाद फ़ैन लगता है, और फ़ैन लगने के बाद फ़ैन कवर हो जाता है। ये सारे ऑपरेशंस के बाद में एक मोटर की पूरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फिनिश हो जाती है, और वो फिनिश मोटर कुछ इस तरह से दिखता है। फिनिश मोटर को फिर हम लोग अपने टेस्टिंग जिग पे जाके इसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं हर तरह की परफॉर्मेंस के लिए। अब हम स्टेप नंबर 8 पर आ रहे हैं, जहाँ पे मोटर और कंट्रोलर का टेस्टिंग हो रहा है। ये कंट्रोलर जो है हम लोगों का खुद का बनाया हुआ और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और ये कंट्रोलर को हम मोटर के साथ में मैच करते हैं, और मैच करने के बाद में हम इसको चेक करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर इसकी RPM चेक करते हैं, इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, वोल्टेज, करंट, और जितनी भी विजिबल चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रैच है कि नहीं, डेंट है कि नहीं, नॉइस है या नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। स्टेप नंबर 9 जो है बेसिकली तीन चीज़ें काम करता है। नंबर 1, यहाँ पर हम अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि सुयो का ब्रांड नेम जो है ये हम अपनी मोटर के ऊपर में लगाते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी सुयो का जो है पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग वो लेज़र प्रिंटिंग होता है। ब्रांड नेम के साथ साथ हम यहाँ पर एक स्पेशल नंबर जो है इस पर जनरेट करते हैं, और वो स्पेशल नंबर जो है आपका यहाँ पर प्रिंट होता है। स्टेप नंबर 10 पे जो है पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर बारकोड जनरेट करते हैं, उसके बाद ये बारकोड जो है स्टिकर जो है आपके मोटर, कंट्रोलर और उनकी जितनी पैकेजिंग है उसके ऊपर लगता है। दूसरा, हम यहाँ पे नो टेम्पर स्टिकर जो है अपने मोटर कंट्रोलर की सीलिंग पॉइंट्स पे लगाते हैं, जैसे कि हम वारंटी के टाइम जान सकें कि इसके साथ अंदर में कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। और तीसरा, हम प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी मोटर और कंट्रोलर पैन इंडिया जा रही हैं, तो वो अलग अलग तरह के कुरियर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से होके जाती है, मिस हैंडलिंग होता है, तब भी हमारे मोटर कंट्रोलर को किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो, इसके लिए स्पेशल जो है पैकेजिंग की जाती है। ये हमारा डिस्पैच सेक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह डिस्पैच का बोर्ड लगा हुआ है, कौन कौन से कस्टमर हैं, किस तरीके से डिस्पैच होगा, कैसी पैकेजिंग करनी है, क्या लोकेशन है, कितने नंबर्स हैं, ये सब यहाँ पे लिखा होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो डिस्पैच के स्टोर के सुपरवाइज़र हैं अपनी हर एक मोटर कंट्रोलर को सेग्रीगेट कर देते हैं, और अलग अलग ट्रॉलीज में वो सारा मटेरियल रख दिया जाता है। और जब आपका क्या कहते हैं कस्टमर का व्हीकल आता है, या फिर हम अपना खुद का व्हीकल अरेंज करते हैं, तो ये सारे के सारे मोटर कंट्रोलर हम सेफली अपने कस्टमर के गोडाउन में या फिर उनकी फैक्ट्री में हम पहुंचा देते हैं। तो आज इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से EV मोटर्स पार्ट्स को बनाया जाता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए IIT के साथ, जहां आपको मिलता है संपूर्ण इंडस्ट्री की जानकारी थ्रू इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज एंड वेबिनार, वर्कशॉप, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड सो ऑन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.iid.org.in पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।